पहले कितना चार्ज देते हैं? अभी तो बिक रहा सर, एक बड़ा सर कम है, पाँच दो बड़ा बचता है। अभी किसने किसने किया? दो किलो मतलब दो बोला मतलब कितना? 200 किलो मैम, 70-80 किलो, 80 किलो अभी बेच रहे हो? 20 किलो 20 किलो का है माना नहीं, कुल पावर 100 ग्राम पावर पावर करता है, 100 ग्राम भी बेच रहा है माना का कर। कैसे किलो चल रहा है? 100 किलो 100 रुपये। कब से हो गया 100 रुपये? 3-4 दिन 3-4 दिन हो गया। नंबर था अभी अभी और चार्ज का दाम बारहवीं है, इसमें बचत तुम लोग का बढ़ा है कि नहीं? ना कम हो गया है, कम हो बिकले नहीं है सर, कम ही हो गया। पहले तो 20 रुपये था, 100 रुपये तो बचत ज़्यादा होगा ना? बिकेगा तब ना सर, 20 के पहले बेचते थे कहा है तो पहले तुम 20 रुपये बेचते थे तो कितना बच जाता था एक दिन में? मेरा बचत है तो सर कमा लेते हैं। अच्छा, और अभी 50 रुपये कमाते हैं, नहीं बिकता है, नहीं बिकता है। प्याज के दाम आसमान छूने के साथ ही बाजार के मंडी का असर दिखने लगा। अब जो लोग पहले 200 किलो प्याज बेचने की बात करते थे, 100 किलो प्याज बेचने की बात करते थे, अब उनका घटकर 40 किलो पर आ गया है। मुनाफा तो चाहिए और उनको अपनी लागत का मूल्य निकालना मुश्किल हो रहा है। व्यवसायियों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो 2-4 माह के बाद हम लोग अपना धंधा बेच, क्योंकि ऐसा ही हाल चिकन और मटन का भी है। तो आइए जानते हैं पूरी स्टोरी क्या है, बाजार की स्थिति और मंडी का हाल। प्याज का कीमत जो बढ़ गया है उससे आपको आपके प्रभाव पर मुर्गा की दुकानों पर कितना प्रभाव पड़ा है? आपको कितना लगता है कितना मुर्गा पहले आता था और कितना बिक रहा है? हाँ सर, अभी जो हमारे लोगों का दुकान का सेल है समय 100% अगर होता था दुकानदारी तो अभी 30% होता है, यानी कि जहाँ 100 पीस मुर्गा बिकता था वहाँ अभी 30-25 नहीं बिकता है। और खुदरा सेल तो दुकान का एकदम ख़त्म ही है, अभी जो भी है जरा मेरा होटल फोटल है, बाकी अभी सेल दुकान का बहुत कम ना के बराबर हो गया अभी सेल। प्याज के दाम के प्रभाव के चलते हुआ है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये प्याज ही अभी जब सबसे 90-100 का रेट देख के दिया है प्याज, उसके बाद से और सेल कर दिया है। पहले अगर अगर ऐसा समझा जाए कि पहले आप 100 रुपये का सेल कर सकते पर डे, इसमें से आपको दुकान पर खर्चा पर कितना आ जाता है? दुकान का खर्चा मेंटेनेंस स्टाफ पर खर्चा कितना आ जाता है? हम लोगों का तो फिर दुकान का खर्चा जो भी है मिला जुला कर मेंटेनेंस कर लेते थे। सेल है मोटर में भी आपका अगर दुकान का खर्चा मुझे कितना आता था? 10 रुपये आता था, 100 रुपये में 10 रुपये आता था, 20 रुपये आता था, 25 रुपये आता था, 100 में तो कम से कम 40-40 रुपये जगह हिसाब से लेता था। तो आपका लेबर चार्ज और दुकान का कॉस्ट वो तो एज इट इज है, हाँ वो तो लगना है, वो तो लगना ही एकदम। और ये घट गया मुर्गा का बिक्री घट गया, सेल घट गया तो अभी क्या करेंगे? पॉकेट से जा रहा है हमारा, पॉकेट से भरना पड़ता है अभी मंथली, दुकान का रेंट देना है, स्टाफ का रेंट देना है और सारा तो किराए पे रहता हम लोगों का, मतलब अभी जो है अपने पॉकेट से लगा। हाँ अभी अभी चलाना मुश्किल हो, हाँ अभी अभी थोड़ा। आपको क्या लगता है अगर साल भर यही स्थिति रही तो क्या आप दुकान चलाने की स्थिति में रहेंगे? नहीं, बंद कर देंगे सर, बंद कर। आप कितना दिन इंतजार करेंगे? और 6 महीना मैक्सिमम, हाँ और मैं किस्त पे चला सकते हैं इसको, लेकिन प्याज का दाम या महंगाई में कमी नहीं आई तो आपकी दुकान बंद कर जाएंगे। पहले कितना मुर्गा काटते थे? पहले अभी वही 150 पीस करता है पूरे दिन भर में। हाँ दिन भर में। दिन भर क्या करता है? ऐसे बैठा रहता है, क्या करेगा? लेने बेचने वाले भी कल आइए, लेना रहता है। जो है 100 रुपये हो गया, 120 कह रहा था एक आदमी,
120 रुपए हो गया। कह रहा था ये तो गया है, उधर का आदमी कह रहा था सब्जी बाग के तरफ। 100 रुपए हो गया है प्याज, तो उससे आपका ये मटन का दुकान पे कितना असर पड़ा है? मटन के दुकान पर प्याज से बहुत बड़ा असर है कि जल्दी ग्राहक मीट नहीं ले रहा है कि प्याज इतना महंगा लेना पड़ेगा, तो इसीलिए जिसको 2 किलो लेना रहता है वो 1.5 किलो लेता है, जिसको 3 पाव लेना रहता है वो 1.5 किलो लेता है। तो आप पहले जो है आप कितना पर डे मटन आपके यहाँ से खपत हो जाता था? पहले मटन बिक जाता था हमारा 20 किलो 18 किलो, अब बिकता है 10 किलो 12 किलो। हमें आधा पे आ गया है, आधा पे आ गया। तो कल शाम को एक माल बना। पहले कितना बनता था? पहले बनता था 3 को 2 को। अच्छा, 1.5 पे आ गया है। एक कल शाम को बना है, दिन में बनाए थे 3 गो, अब बनाते हैं 7 गो 8 गो रोज, टोटल 4 गो माल बना। आधा पे हो गया है? आधा पे निकलता है कि नहीं? नहीं, घाटा लगता है, लेबर का खर्चा है, हम लोग का सबके रोज का पर डे का 800 रुपया और अपना खर्चा है, खर्चा निकालते उकालते जो है हम लोग के पूंजी घट गया है, लेबर का खर्चा और अपना खर्चा निकालते हुए हम लोग का पूंजी घट गया। अब अगर यही स्थिति बनी रही तो कितने दिन तक आप दुकान चलाएंगे? बहुत होगा तो घीच पील के 3-4 महीना। अगर 3-4 महीने में अगर ये नहीं स्थिति सुधरी तो आप दुकान बंद कर देंगे? दुकान बंद कर देंगे तो हम प्याज बेचने लगेंगे। सही बात है, सही बात। जल्द से जल्द हम लोग का प्याज का समस्या ठीक किया जाए कि हम लोग जीवन रोटी बढ़िया से कमा सकें। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है जसवंत सिंह। ये बिजनेस कर रहे हैं पिछले 40 साल से। ऐसी स्थिति पहली बार आई है कि इससे पहले भी आती रही है? नहीं, बीच बीच में आया था एक आध बार, मगर इतना दिन तक नहीं आया था, ये कुछ ज्यादा ही दिन से समस्या रोज बढ़ रहा। मोदी जी के अच्छे दिन आ गए? मोदी जी के अच्छे दिन अच्छे आदमी के लिए है, हम लोग के लिए नहीं है। मैंने गरीबों के लिए नहीं है? नहीं, अच्छे आदमी के लिए अच्छा दिन है, वो भी अच्छा है, आदमी भी अच्छा सोचते हैं, और हम लोग तो घटिया आदमी है, तो हम लोग के लिए मोदी जी कुछ किए नहीं।